हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश की पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? आशा है परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना। यदि दोस्तों सीबीएसई एवं आरबीएसई के सभी लेसन्स के वीडियो लेक्चर्स, समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको हिंदी में समझने हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश की पाठशाला एनीवेयर। सब्सक्राइब करने से पहले हमारे चैनल का लोगो ज़रूर देखें, और हाँ, आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, या फिर फर्स्ट वॉल के जो व्यूअर्स हैं वो हमारे फ्रंट पेज पर दिए गए यूट्यूब लिंक को कॉपी करें और फिर उसे पेस्ट करके सब्सक्राइब करें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो दरअसल ये दो शब्द हैं, LOSE और LOSE, जिनका बहुत जगह मिस प्रोनंसिएशन किया जाता है और उनको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों ही शब्दों में LOSE और LOSE, इन दोनों में से कौन सा सही है? तो फैक्ट मैं आपको बता दूं, दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों का उच्चारण और दोनों का जो प्रयोग करने का तरीका है या प्रयोग करने का जो अवसर है वो अलग अलग होता है। पहले वर्ड जो है LOSE, इसको लूज बोला जाता है, और दूसरा वर्ड जो है LOSE, इसको लूज नहीं बोला जाता है। इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन होता है लूज, LOSE। तो देखिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। लूज का मतलब होता है व्हेन यू डोंट नो वेयर अबाउट्स ऑफ एनीथिंग। शुद्ध हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो लूज का मतलब हो जाता है खो देना। तो एग्जांपल्स देखिए, ही लूजेस हिज मोबाइल फोन एवरी ईयर। दूसरा है यू शुड नॉट लूज योर मनी। तीसरा है डोंट गिव हर नोटबुक, शी विल लूज इट। तो पहला सेंटेंस, ही लूजेस हिज मोबाइल फोन एवरी ईयर, यानी वो हर वर्ष अपना मोबाइल फ़ोन खो देता है। दूसरा है यू शुड नॉट लूज़ योर मनी, आपको अपना पैसा लूज़ नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। डोंट गिव हर नोटबुक, उसे नोटबुक मत दो, शी विल लूज़ इट, वो उसे खो देगी। तो हम इसका गलत यूज़ कैसे करते हैं? देखिए LOSE की जगह इसको बहुत सारे लोग, इसको पहली बात तो लॉस बोलते हैं, ये लॉस नहीं है, इसको लूज़ ही बोला जाता है। इसलिए आप इसमें अपना प्रोनंसिएशन बिल्कुल सही रखें, LOSE। अब सवाल ये उठता है कि जिसको आप लॉस बोलते हैं उस लॉस की स्पेलिंग क्या होती है? उस लॉस की स्पेलिंग क्या होती है ये देखिए आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको बताया जाएगा। वो लूज से ही बनने वाली एक नाउन होती है। आगे देखिए LOSE, ये लूज है। लूज का मतलब होता है नॉट टाइट, जो टाइट ना हो, ढीला जिसको हम बोलते हैं। एग्जांपल्स देखिए, ही विल वेयर लूज क्लोथ्स। दिस पैंट इज वेरी लूज, आई कैनॉट वेयर इट। द विंडो इज वेरी लूज, एनी वन कैन ओपन इट। तो लूज का मतलब होता है जो टाइट ना हो, ढीला हो, उसे हम लूज कहते हैं। लेट्स यूज़ बोथ द वर्ड्स इन ए सिंगल सेंटेंस। अगर आप भी ऐसा कर सकें और कोई सेंटेंस बना सकें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि सब लोग उसको देख सकें। देखिए पहला सेंटेंस, वाई डोंट यू लूज योर लूज शर्ट, यानी तुम अपना ढीला शर्ट खो क्यों नहीं देते, हटा क्यों नहीं देते अपने जो कपड़ों का संग्रह है उससे। What can one lose in such a loose space? इतने open space में कोई क्या खो सकता है? तो correct pronunciation पे ध्यान दीजिए और spelling पे भी ध्यान दीजिए, especially पहले वाले word में LOSE में। इसको loss नहीं बोलना है आपको। और दूसरी important चीज़ है कि इसकी spelling भी LOSS नहीं लिखनी है यहाँ पर, जब आप उसको verb के रूप में use कर रहे हैं, क्योंकि LOSS एक अलग चीज़ है जिसका मतलब होता है क्षति, उसको बोलते हैं हानि या क्षति, उसको लॉस बोलते हैं, इसको लूज बोलते हैं। कुछ फैक्ट्स, द सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ लूज इज लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। और जो नाउन लूज से फॉर्म होती है वो लॉस होती है। तो हम अधिकतर इस लूज को ही लॉस बोल देते हैं, तो आप लूज को लॉस मत बोलिए। और लूज और लॉस में डिफरेंस करना आप समझिए। लूज एक वर्ब है और LOSS लॉस एक नाउन है, और ये लूज की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, लॉस्ट, लॉस्ट। तो आगे से ये ध्यान रखिए, जब भी आपको LOSE यूज़ करना हो, लूज आप यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको लॉस मत बोलिए। ये मत बोलिए कि आई विल नॉट लॉस माई नोटबुक, ऐसे मत बोलिए। आप बोलिए आई विल नॉट लूज माई नोटबुक। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel on YouTube. हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम है इंग्लिश की पाठशाला एनीवेयर। इसको YouTube में सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्स्ट वॉल पर भी हमें फॉलो कीजिए। और सभी YouTube के जो दर्शक हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम क्लास 12th की जो एक लास्ट पोएम रह गई है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स,
उसका भी वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, जिसमें सारा समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और पोएटिक डिवाइसेस शुद्ध हिंदी में आपको समझाए हुए मिलेंगे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।